मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं जादूगर राम यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम आपको एक से बढ़के एक मैजिक शो दिखाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोगों को भी जादूगर बनाते हैं, आप लोग भी नाम और दाम कमाते हैं। हमसे जादू सीखे हुए बहुत सारे मित्रों ने ये कमेंट किया है कि हम भी जादूगर बन गए, अब हमको भी शो बुकिंग आती है, हम भी अच्छा पैसा कमाते हैं और सामान आप भेजिए। तो मित्रों, कुछ समय पहले मैं काठमांडू गया था, उस समय से लेके अभी तक कोई नया वीडियो नहीं डली है। और कुछ समय पहले एक पार्सल बनाया था हमने, जिसमें 800 रुपए का 16 जादू सीखिए और जादूगर बनिए बोल के हमने वो जादू को दिखाया सिर्फ था, उसका सिखाया वीडियो अभी तक बनाया नहीं था। जब किसी को ये पार्सल भेजते थे तो हम 16 अलग अलग वीडियो को उठा के उनको भेजते थे, जो कि सीखने में दिक्कत होती थी। तो आज मैं आप लोगों को 800 में जो 16 जादू मिलती है उसको एक बार फिर से दिखाऊंगा और बारी बारी करके ये 16 ही आइटम सिखाऊंगा। और ये 800 का 16 जो जादू है वो जो मंगाए हुए हैं उनको भी यही वीडियो भेजा करूंगा। और इसमें कम पैसे में जादूगर बन सकते हैं, आप भी छोटा मोटा जादूगर बन के कुछ पैसे कमा सकते हैं। आप कहीं नौकरी से रिटायर हो गए हैं तो भी ये काम कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इस 16 जादू को फिर से दिखाते हैं और उसके बाद सभी जादू को सिखाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं एक डायरी को, जो कि खाली दिखाते हैं, खाली दिखाते हैं, और इसमें जादू मैजिक गिली गिली छू बोलते हैं तो नोट बन जाती है। ये देखो नोट बन गई। फिर इसको जादू मैजिक गिली गिली छू बोलते हैं तो खाली हो गई, खाली हो गई। अब ऐसे ही सभी जादू को दिखाएंगे, बारी बारी से सिखाएंगे। दूसरे नंबर पे दिखाएंगे एक ये रस्सी है, यूं रस्सी लो, नरम रस्सी, फिर मैजिक लगाओ, हू छड़ी रे छड़ी, कैसे हुई तू खड़ी हो गई रे। 1 2 3 जादू मैजिक कर दोगे फिर से रस्सी बन जाएगी, ये जादू भी मिलेगी। तीसरे नंबर पे है एक गोटी, ए डब्बे के अंदर में है, ढक्कन को ऐसे लगाओ और सबको दिखाओ काला काला गोटी है। 1 2 3 जादू मैजिक, ये तो दाने बन गए। इसको भी रख देते हैं, अगला आइटम उठाते हैं। चाकू लाना सीता, जरा एक चाकू ढूंढना पड़ेगा, चाकू है किधर? हाँ ये रहा चाकू, कोई बात है। ये एक रस्सी है और ये पत्ती में इधर से रस्सी, इधर से रस्सी, इधर से रस्सी, इधर से रस्सी, बीच में लाया। कोई भी चाकू लो, काट डालो, ऐसे खोल के दिखा दो, कट गई भाई, कट गई, कट गई, कट गई। फिर बंद करो और इसी चाकू से छुमंतर 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 बोलो, जुड़ गई, जुड़ गई। चाहे जितनी बार काटो, 50 बार 100 बार काटो, फिर से कटेगी ये, और फिर से जादू मैजिक जुड़ जाओ, ये जुड़ जाएगी। ये भी जादू आपको मिल जाती है। इसके बाद मिलेगी आपको ऐसे एक ताश का पत्ती है, ईंट का बस्सा है, मैजिक करना है, माचिस बन जाती है। फिर इस डब्बे को आपको ऐसे दिखाना है खाली है, फिर ये डब्बे खाली डब्बे को ऐसे बंद कर देना है, भर जाएगी। ये भी आप लोगों को मिल जाएगी, ये भी रख देते हैं। इसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को एक रिबन, दिखाते हैं ऐसे करके। ये रिबन दिखाने के बाद ऐसे खाली हाथ में रखते हैं, है ना? फिर इस रिबन को ऐसे यहाँ पे रख दो, रखने के बाद गिली गिली छू बोल दो, फिर इसको निकालो, आ आ मुंह, ओके,
इसके बाद में इस रिबन को यहाँ से गायब करके किसी लड़की के बालों में से आपने देखा होगा, मैंने शो के दौरान हमेशा इधर से ऐसे गायब करता हूँ और ऐसे करता हूँ, किसी लड़की को बुलाता हूँ और उसकी बाल से निकालता हूँ। ये तो गंजी है, अब टोपी से, बाल से नहीं तो टोपी से निकालो ऐसे करके, ठीक है। ये आइटम भी आपको मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये है बॉल, ऐसे लेना है ऊपर से, ये छोड़ दो नीचे, फिर छोड़ दो नीचे, स्टॉप, पूरे नीचे जा, पूरा नीचे जा, धीरे धीरे। तो ये भी आपको मिल जाएगी, अभी इसको दिखाते हैं फिर सिखाते हैं। एक ये रिंग होता है जो कोई नहीं खोल पाता है, इस रिंग को किसी को भी दे दो, जैसे सीता वीडियो बना रही है, इसको खोलना जरा सीता, ये देखो सीता ट्राई कर रही है, दोनों तरफ ज्वाइंट है, आप किसी को भी दोगे वो खोल नहीं पाएगा। एक बार इधर दे दो, जब आप इस रिंग को अच्छे से देखो, इधर भी ज्वाइंट है, इधर भी ज्वाइंट है, अंदर में बिचवा में ढुका देलवा तो निकरी कैसे, तो निकारे के बात तो ऐसे फू करे पड़ी, ई बहरवा आ जाए, एहरो से आई हैं, एहरो से आई हैं, फिर ऐसे घुमा देवा तब वो बाहर आई हैं। लेकिन केहू के जब दोगे मंत्र मार के, चाहे जितने घुमाई लो आई नहीं, देखा, चाहे जितना घुमाई लो, चाहे कुछ भी कई लो, ये बाहर आवे के नहीं बा। तो इहो आइटम मिल जाई, इसको भी सिखा देंगे। अभी ये भी रखते हैं, अभी अगला मैजिक अगले आइटम में ये मिल जाएगा आपको, ऐसे दिखाते हैं और ऐसे दिखाते हैं। एक पेपर ले लो, ऐसे फाड़ो, पेपर फाड़ के इसके ऊपर रख दो, ढक्कन से बंद कर दो, गीली गीली छू मंतर फू बोल दो, खोल दोगे तो सिक्का नजर आएगा, सिक्का बन जाएगा। ये भी आप लोगों को मिल जाएगी, जादू का कमाल का आइटम सब है। एक गोटी है, ऐसे देखिएगा, ये गोटी है, कितना नंबर है, छह नंबर, बंद किया, अभी देखते हैं, अभी भी छह ही नंबर है, चेंज तो नहीं हुआ। अब मैजिक करेंगे, ए छोटू जादू मंत्र मैजिक फुर, देखो हो गया मोटू, बड़ा हो गया। ये भी आपको मिल जाएगी अभी और आइटम में। चाचा भतीजा, ऐसे नाड़ा है, चाचा का भी नाड़ा है, भतीजा का भी नाड़ा है, एक चाचा है एक भतीजा है, ऐसे पहले चाचा का नाड़ा खींचो, फिर भतीजा का नाड़ा खींचो, चाचा का अंदर घुस गया, फिर भतीजा का खींचो, चाचा का अंदर घुस गया, चाचा का खींचो, भतीजा का अंदर, ये भतीजा है, ये चाचा का अंदर नाड़ा चला गया, ये चाचा का है तो भतीजा का अंदर चला गया। अब इसको यहाँ पे रखेंगे, देखिए दूरी में है, अभी ये भतीजा का नाड़ा खींचो, चाचा का अंदर चला गया, और ये चाचा का नाड़ा खींचना है तो भतीजा का अंदर चला गया, ऐसे ही रखो नहीं जाएगा। ये तो हमने यहाँ रख दिया, कान ऐसे ऐठो, ए वो अंदर गई। ये भी आपको मिल जाएगा 800 में 16 जादू में। एक ये है, फूल है, ऐसे तोड़ो और ये फेंको, फिर ये पकड़ो रख दो, और यहाँ से इसको ऐसे तोड़ के यूं करके किसी लेडीज के पास में पहुँचा दो और ऐसे टच कर दो, या फिर उनके टोपी में कर दो, वापिस आ जाएगी। फिर इसको खा के भी दिखाते हैं, आप लोगों को पता है इसको खा जाते हैं, फिर पेट से निकालते हैं, वो भी हो जाएगी, वो भी सिखा देंगे, ठीक है। ये राम लखन फूल के बाद में आएगी, एक फूल को ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ने के बाद टोपी में इसको रख देना है और हाथ ऐसे 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 करो, फिर से वापिस आ जाएगी, फिर से टोपी में रखो, ऐसे ऐसे करो, फिर से वापिस आ जाएगी, फिर से टोपी में रखो और ये वापिस फिर से आ जाएगी। ये आइटम भी आप लोगों को मिल जाएगी हवा में गुलाब पकड़ने का। अब इसके बाद में आपको ये भी मिलेगी, ये देखो, ये सिक्का है, ऐसे रखना है और इसमें एक होल है, होल में ये ऐसे घुसती है, इधर बैठना, ये यहाँ बैठ,
ये ऐसे घुसती है और यहाँ भी छेद है, ये देखो यहाँ भी छेद है, मगर सिक्के में कोई छेद नहीं है, बीच में रखना है और यहाँ से ऐसे करके घुसाना है। ये देखो ये घुस गई बीच में, तो सिक्का है, फिर इसको हमने खींचा और ये देखो हमने ये खींचा, ये देखो ये एक बार और दिखाऊं, ये हमने ऐसे रखा और ये सिक्के को ऐसे, ये देखो फिर इसको खींचा और इस सिक्के को वापिस इसमें से ऐसे निकाला। ये भी आपको मिल जाएगी दोस्तों, अब इसको भी रखते हैं, अभी अगले आइटम में आपको मिलेगी ऐसे दिखाने का 7 ताश को। अब बताओ, बसातिर की दुआ नैला गुलाम एक्का दैर दैला, तो 7 ताश को टोपी ले लो, ढक दो, जादू मैजिक फू करो। ये देखो 1 2 3 तीन ताश बचे हैं, बाकी गायब हो जाएगी और ये जादू भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। 1 2 3 1 2 3 टोपी नहीं हो तो रुमाल से भी हो जाएगी। अभी एक और आइटम है, 15 आइटम हो चुका है, 16वें में आपको ऐसे नैपकिन ले लेना है, ये खाना है, ऐसे नैपकिन को खाते खाते पूरा ये बहुत सारे रिबन आ गए, ये देखो लक्ष्मी कैसे हंस रही है करके, ऐसे ही दर्शक भी हंसेंगे, बिल्कुल छोटी बच्ची थी बड़ी हो गई। ऐसे 16 आइटम आपको दिखाया, अब एक एक करके ये 16 आइटम आपको सिखाएंगे, अगर आपको लेना है तो सिर्फ 800 में ये 16 आइटम आपको मिलेगी, आपके घर तक पहुंचाने का जो पोस्ट चार्ज है वो भी हम दे देंगे, आपको सिखाया वीडियो भी दे देंगे। मैजिक का कोई भी सामान लेना हो तो आप अकाउंट में पैसे डाल देना, अपना एड्रेस दे देना, अकाउंट नंबर आप व्हाट्सएप से लीजिएगा, हमारा ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप व्हाट्सएप करिए, मैजिक का A to Z कोई भी सामान आपको मिलेगा। बहुत जल्दी अभी हम 1000 रुपए में 55 जादू बना रहे हैं, 1000 रुपए में, तो वो भी आप लीजिएगा, वो छोटे छोटे आइटम होंगे उसमें, 55 के 55 स्टेज वाले नहीं होंगे, तो जल्द से जल्द आप भी ये 800 में 16 जादू बुकिंग कर लीजिए, खुद भी सामान मंगाइए और अपने पूरे परिवार को बर्थडे हो पार्टी हो मनोरंजन करिए, एंजॉय करिए और आनंद लीजिए। तो मित्रों चलते हैं एक एक करके ये सारे आइटम आपको सिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी ये जादू दिखा हो तो वहां ताली बजाइएगा, वाह वाह करिएगा, बिगाड़िएगा मत। तो चलते हैं सीखने। तो मित्रों अब ये बारी बारी से सारे आइटम आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, हमारा काम पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, भले ही आप खरीदे ये सामान चाहे ना खरीदे, वीडियो को लाइक करने में पैसे नहीं लगेंगे। आप नए हैं हमारे चैनल में और ऐसे जादू सीखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नज़दीक का घंटी भी दबा दीजिएगा, जिससे आप ऐसे ही आइटम सीखते रह सकते हैं। सबसे पहले ये रिबन वाला जादू आपको सिखाते हैं, ये जो रिबन है इस समय खुल चुकी है, अब इसको कैसे बनाया जाता है, ये देखो ये तो जुड़ी हुई रिबन है कपड़े का, आप चाहो तो बना सकते हो, चाहे जितना मर्जी हो इतना बड़ा तक बन जाए और रिबन खरीद के जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद इसको यूं करके लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, ठीक है, ऐसे लपेटते जाओ लपेटते जाओ, ऐसे ये ढीली हो गई तो थोड़ी सी टाइट करो और यूं लपेटो, ऐसे लपेटो, यूं टाइट करते हुए ऐसे लपेटो, ये टोटल आपको सारे के सारे यूं लपेटने हैं, ऐसे टाइट करते हुए लपेट दीजिए, लपेटते जाइए लपेटते जाइए, तो आप पहले यूं लपेटते जाइए, उसके बाद मैं पूरी की पूरी सिखा दूंगा। बड़े बड़े स्टेज में भी ये शो करते हैं और बड़े बड़े जादूगर इस शो को दिखा के बहुत
वाह वाह लूटते हैं। कई तो मुंह से ब्लेड भी निकालते हैं और कई रिबन भी निकालते हैं। ब्लेड का जिनको थोड़ा खतरा जैसा लगे तो कोई बात नहीं, मुंह से रिबन निकाल लो। शुरू शुरू में सीखने के लिए तो रिबन मुंह से निकालना ही सही रहता है। डायरेक्ट ब्लेड तो बाद में निकालना, पहले रिबन ही मुंह से निकालना ज्यादा बेहतर रहता है। इसको एक बार ये लेने पर हजारों बार भी दिखा सकते हैं, खराब कभी नहीं होगी। इसको बार बार दिखा सकते हैं, ये खराब नहीं होगा, खराब होने की चीज नहीं है। ऐसा कागज वाला भी आता है जो सिर्फ एक ही बार दिखाने का काम आता है। जैसे आप ये सारे लपेट लोगे तो उसके बाद में लास्ट में एक रबर लगाना है, लास्ट में एक रबर लगा देना है। सीधा रबर है कहीं पे कोई? जब ये सारा रोल हो जाए तो इसके ऊपर कोई सा भी एक रबड़ यूं लगा दीजिए। उसके बाद में इसका बीच में ये पेन को ऐसे डालो और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा निकालना है आपको, ये सबसे बीच वाला इतना सा निकालना है, बाकी को तो आप ऐसे वापस अंदर रख दो। ये उसके बाद एक नैपकिन लेना है, उसके बीच में थोड़ा सा फाड़ना है, व्हाइट वाला अंदर भी व्हाइट है ऊपर भी व्हाइट है, बीच में सिर्फ कलर है, इस छेद से थोड़ा सा आपको बाहर इतना सा निकाल देना है, बस इतना सा। जब सो करोगे तो सो की जगह में ऐसे रखा हुआ होगा, उसको यूं करके लेना है, ये नैपकिन है बोल के इधर से खाओ, खाया नहीं है सिर्फ मुंह में रखना है, ऐसे खाओ। इसके बाद ये जो है इसको भी तो लास्ट में फिर ऐसे निकालते हुए कागज को भी साथ में निकाल के रख देना है। अभी आप तो जान गए, लेकिन इसको जिसको पता नहीं है बहुत मजा आता है। एक आइटम हमने इसको यहाँ पे रख दिया है, अब दूसरा उठाते हैं। इसके बाद हम उठाएंगे चाचा भतीजा को। चाचा भतीजा में एक एक घंटी बाहर में जुड़ा होता है ताकि ये अंदर न चली जाए। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये खींचा और ये खींचा तो ये अंदर गई, ये खींचा तो ये अंदर गई। दरअसल होता यह है जब ये खींचते हैं तो इसको ऊपर उठा देते, ऊपर उठाने की वजह से गई है, ये देखो ऊपर उठाने की वजह से गई है, खींचने की वजह से नहीं गई है। ऐसे ये लिया और जब ये खींचते हैं तो इसको ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि इस धागे में अंदर में एक वजन नट या बोल्ट को बांध रखा है। और किसी भी पाइप में भी आप छेद कर दोगे, अंदर में एक नट या बोल्ट या कोई भारी चीज बांध दोगे तो ऐसे करते हुए तो नहीं जाएगी, ऐसे करोगे नीचे चली जाएगी। ये दोनों यही है, बस दिखाने का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे रख के, ये रख के इसको खींचने का टाइम ऊपर उठाना है, इसको खींचने का टाइम इसको ऊपर उठाना है, और इधर खींचने का टाइम इसको ऊपर उठाना है, और कान ऐंठने का टाइम में भी ऊपर उठा देना है। जितना बढ़िया से प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा। दो आइटम हो गई है। ये फूल का तो ऐसा बटन है, यूं बटन है, इसको ऐसे करके तोड़ते हैं तो नीचे में खींचते हैं, या बोलते हैं चाहे जितनी एक्टिंग कर लो इसको खाऊंगा बोल के आम करके खा जाओ, फिर टोपी से निकालो या ऐसे पेट से निकालो, कहीं से भी निकालो। और ऐसे करके ये करके कहीं कहीं क्या होता है, कॉकरोच को इस हाथ में पहले से पकड़े होते हैं, ये देखो कितना सुंदर फूल है बोल के इसको तो यहाँ पे छुपा लेते हैं और किसी लड़की को देते हैं, तो अरे बाप रे कॉकरोच। ये भी इसमें होता है। ये तीन आइटम हमने रख दिया। चौथे में ये देखो, इस फूल को हमने ऐसे करके यहाँ पे लगाते हैं, ये देखो इसमें अंगूठी है, ये अंगूठी को अगर लंबा हो तो आप किसी भी चीज से काट दीजिएगा, कैंची से भी काट सकते हैं, और ऐसे करके मत लगाइए। कोई कोई बोले ऐसे लगा रहे, ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा के ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करके जैसे बंद करोगे तो फूल आ जाएगी। फिर टोपी में रख दिया बोलना, हाथ खोल के फिर ऐसे ऐसे करना है, फिर रख दिया बोलना है, फिर ऐसे करना है। और ये जो दिख रही है ना नजदीक से, तो इसको थोड़ा थोड़ा काट देना है, ठीक है दोस्तों, इधर भी काट देना है। इसको भी हमने रख दिया। अभी उसके बाद में ये एक दो तीन चार आइटम हो गई है। पांचवे में ये जो रिबन गायब करते हैं ऐसे करके, तो ये आपको पता ही होगा थंब टिप का कमाल है, ठीक है। पहले ये थंब को अंगूठे में लगाना है, ये देखो अंगूठे को इसमें ऐसे पकड़ना है, ऐसे करके इस अंगूठे को इस हाथ में खोल देना है, फिर इसमें रिबन को भर देना है, फिर ऐसे करके यूं करके बोलना है कि देखो गायब हो गई है, तो यहाँ पे देखो अभी भी दिखाई नहीं देगी, ये देखो इसमें है, ये है ना,
तो लेकिन दिखाना नहीं है, स्टाइल से दिखाना, जैसे ये गायब हो गई तो ये गायब हो गई, फिर ऐसे करके निकालो, चाहे टोपी में ऐसे करके निकालो, चाहे किसी लड़की की बाल में टच करके ऐसे करके निकाल दो, या फिर मुंह से ऐसे करके खाली दिखा के फिर ऐसे निकाल देना है। ये भी समझ गए, 5 आइटम हो गई। अब ये देखो, ये है, इधर से भी चलती है, इधर से भी चलती है, बीच से हमने चाकू से काट देते हैं तो ये कट गई, अब नहीं चलेगी, फिर बंद करते हैं, जादू करते हैं तो चलती है। इसमें क्या होता है, ये धागा जो है ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे आती है, ये हमेशा बीच में कटी हुई ही है, ठीक है। ये पाइप है, इसमें मतलब छेद है, ऐसे करके ऐसे, मतलब कभी निकल भी जाए तो आप इसको खोल के बना भी सकते हो। तो ये जब भी काटोगे तो ये कटती नहीं है, पहले से ही है, ऐसे बंद करते हैं तो चलती है। ये भी आपको पता चल गई है, आप अपने अपने स्टाइल से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम में है, ये देखो, ऐसे एक ताश की पत्ती है, पीछे में माचिस चिपकी हुई है, ये छोटी साइज को ऊपर करते हुए और बड़ी साइज को नीचे करते हुए ऐसे पकड़ना है। ये देखो, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, ऐसे उठाने के बाद ऐसे स्टार्टिंग करनी है कि बादशाह है, ठीक है। अब इसको माचिस बनाना है तो ये हाथ ऐसे करके ऐसे करना है फास्ट, कैसे, ये देखो, ये हाथ हम ऐसे रखते हैं तो ये इसमें ऐसे बंद करते हैं, इसको ऐसे करते हैं और आगे लाते हैं, उसके बाद यहाँ पे यूं खोलते हैं, इस तरफ में खाली होती है, इस तरफ में भरी होती है, सिर्फ देखने के लिए। इस तरफ खाली होती है, जब हम बंद करते हैं ऐसे खाली है, बंद करते हैं तो उसी समय घुमा देते हैं और बोलते हैं ये देखो भर गई, सिर्फ ये शो के लिए है, असली माचिस नहीं है, ठीक है। ये भी हो गई, अब कितने हो गए सीता, चलो 16 हो जाएंगे पूरे करके। ये रस्सी है, ऐसे ऊपर से जब ये टाइट करोगे तो रुकती है, ढीला करोगे तो गिरती है, ढीला करते ही गिरती है और टाइट करते हैं मतलब खींचते हैं तो रुकती है, ढीला करते हैं तो गिरती है। ये भी आप समझ गए, ये गोटी है, इसके अंदर में एक गोटी है और ये सारे को छोटे छोटे को इसमें ऐसे भर देना है। ये देखो, एक एक करके यूं करके इसमें जैसे आपने भर दिया, भरने के बाद यहाँ पे रखना है, यहाँ पे लोहे की पत्ती लगी है, यहाँ पे चुंबक लगी है, जैसे ही एक बार ऐसे उठाओगे तो ये इसमें चिपक जाती है। ये देखो, ऐसे करके इसमें चिपक गई, ये देखो चिपकी है, बाकी ये गिर जाती है। तो ये भी आप समझ गए। इसके बाद ये देखो, ऐसे 1, 2, 3 होती है, पहले हम ऐसे दिखाते हैं कि ये देखो छोटू है, फिर इसको रखते हैं, ये देखो ध्यान से जैसे मैं कर रहा हूँ, पकड़ा हूँ नीचे, अभी ऊपर पकड़ा हूँ, फिर इसके बाद अभी ऊपर पकड़ते, ये सबसे ऊपर पड़े, बड़ी हो गई, पहले ऐसे करते हैं फिर बाद में ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं दिखाना ऐसे करके, ये देखो ऐसे नहीं दिखाना, नहीं तो फिर पता चल जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये भी हो गई, इसको कोई नहीं खोल पाएगा, मगर जब खोलना हो तो इसको ऐसे घुमाना है, एक तरफ घूमेगी एक तरफ नहीं, थोड़ा सा ताकत लाओ तो घूम जाएगी, यूं खोलना है, ये घुमाया हुआ कोई ना देखे, ऐसे खोलना है, बस इसको ऐसे करना है, अब नहीं कोई खोल पाएगा, ऐसे करोगे तो खुल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अभी ये देखो, ये रस्सी है, उंगली की तरह है, ऐसी है, बैंड हो जाती है, ऐसे नहीं होती है, सेम ये भी ऐसे हो जाती है, ऐसे नहीं होती है, सेम उंगली की तरह ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है, ये भी ऐसे होती है लेकिन ऐसे नहीं होती है, तो ऊपर में ऐसे रख देना है, फू बोलना है तो घुमा देना है, ऐसे करके आप थोड़ा सा अभ्यास करना, ये पकड़ोगे फू करना है तो घुमा देना है, ठीक है मित्रों। तो ये भी हो गई, इसके बाद आप ये देखो, ऐसे खाली दिखाते हैं, इस तरफ से अपनी तरफ से खाली दिखाते हैं, मैजिक करते हैं तो इधर से, पहले इधर से किया, अब इधर से, अब इधर से करो खाली, नोट आ गई, ठीक है, ये नोट आ गई, फिर मैजिक करो इस तरफ से खाली। बाद ये जो ताश का पत्ता हमने उठाया, इसको हमने ऐसे दिखाया कि 7 पत्ते हैं, इसमें है बस्सा, तिरकी, दुआ, नैला, जो गुलाम, इक्का, दैला, फिर ये टोपी से हमने ढक देंगे तो सिर्फ 3 ही बचे, 1, 2, 3, बाकी 7 कहाँ गए, 7 में से 4,
ये देखो नहीं है, सिर्फ तीन है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसी में लगा हुआ है। ये देखो, पता चलने के बाद आसान हो जाती है। ये इसी को हम ऐसे करते हैं, पहले इस तरफ से खोलते हैं और सात ताश है बोलते हैं, उसके बाद टोपी से ढकने का टाइम में ऐसे कर देते हैं तो तीन ही, फिर बोलते हैं तीन हो गई। अब की बार हम इस तरफ से नहीं दिखाते हैं, अब की बार हम इस तरफ से दिखाते हैं ऐसे करके। ठीक है मित्रों, ये भी आप समझ गए। अब ये कागज से सिक्का कैसे बनती है, ये है कागज और रख लिया तो सिक्का बन गई। तो इसी में है, ये देखो ये तीन पत्ती है, यहाँ सिक्का रखना है, ऐसे ढक के छोड़ देना है। जब कागज यहाँ रख के बंद करोगे तो ये कागज ऊपर चली गई, डब्बी भी ऊपर चली गई, तो सिक्का दिख गई। ये है कागज और डब्बी यहीं पे है, इसको ऐसे करना है। सबसे पहले ऐसे ढक के, फिर ऐसे खाली है बोल के खाली दिखाना है, फिर ये रखा, बंद किया, मैजिक किया, खोला, ये सिक्का बन गई। ये 15 आइटम हो गई। अब एक आइटम बचा, ये ऐसे सिक्का है मित्रों। इस सिक्के को हमने ये बीच में रखते हैं और ऐसे करते हैं, तो जब हम ऐसे सीधा करते हैं ना तो सिक्का यहाँ आ जाती है। ये देखो सिक्का इस तरफ आ गई है, अब इसको घुसाते हैं, लगता है सिक्के को आर पार हो गई है। तो मित्रों जब हम वापस इसको निकालते हैं तो ऐसा कर देते हैं, तो ये आ गई। ये देखो एक बार फिर से देखो, हम ऐसे घुसा दिए, ऐसे करते हैं, यहाँ आ गई, इसको घुसाते हैं, फिर ऐसे खींचते हैं, ऐसे करते हैं, सिक्का ये बीच में आ जाती है, फिर निकाल देते हैं। ये कुल मिला के 16 आइटम हमने आपको दिखा भी दिया, सिखा भी दिया। आप लोगों को चाहिए तो मंगाइएगा, ये पार्सल आपको पोस्टमैन लाके देंगे। जादू का कोई भी सामान चाहिए तो व्हाट्सअप में आप बोलिएगा कि कौन सा सामान चाहिए, हम भेज देंगे। मन में 1% भी ये मत सोचिएगा कि पैसे डाल देंगे पता नहीं भेजेगा कि नहीं, 100% भेजेंगे और 100% मिलेगा। जब तक जादू का सामान आपको मिल नहीं जाता है तब तक की गारंटी है, अगर कोई टूटा फूटा मिलता है तो उसको दोबारा भेजेंगे। तो आज के वीडियो से चलते हैं, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए और खुश करिए।